फ्रेंड्स, आज हम लोग समसामयिक भारत में जो असंलग्नता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की विचारधारा का भारत में उदय किस प्रकार हुआ, उसका अर्थ क्या है, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि भारत को असंलग्नता की नीति अपनानी पड़ी, असंलग्नता या गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारक रहे, इसकी क्या उपलब्धियाँ रहीं, इसमें शामिल होने के लिए क्या सदस्यता और शर्तें रखी गई, इसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या आलोचना रही, इसके ऐसे कौन से कमज़ोर पक्ष हैं जिनको लेकर इनकी आलोचना की गई, और इस विचारधारा के प्रति, इस आंदोलन के प्रति विश्व के राष्ट्रों का दृष्टिकोण क्या रहा, इन सभी बिंदुओं को लेकर हम लोग असंलग्नता की नीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों के कारण इस विचारधारा को भारत ने अपनाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब विश्व स्तर के कई देश इसमें शामिल हुए, काफ़ी धन जन की हानि हुई, तो इस युद्ध की भयानकता को देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सहयोग से 1920 में राष्ट्रसंघ नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना था। लेकिन यह सही अर्थ में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं रहा, क्योंकि सभी देशों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच 1939 तक पुनः विश्व के देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनने लगी और इन्हीं परिस्थितियों में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और विश्व के कई देश इसमें शामिल हुए। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद इस युद्ध ने विश्व के सभी देशों का नुकसान हुआ, जो जनधन की हानि हुई, विनाश हुआ, उसके बाद देशों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भविष्य में अपने अस्तित्व के लिए शांति व्यवस्था की स्थापना बहुत ज़रूरी है। 1945 में राष्ट्रसंघ के जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस समय की क्या कंडीशन थी बच्चों, 1945 तक जो विश्व था वो दो गुटों में बढ़ चुका था। पहले गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, और दूसरे गुट का जो नेता था वो था सोवियत रूस, ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। अब इन दोनों देशों ने क्या किया कि अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए संगठनों की स्थापना शुरू कर दी, जैसे अमेरिका ने नाटो और सीटो जैसे संगठनों का निर्माण कर साम्यवाद को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी वारसा पैक्ट के माध्यम से अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास किया। इस तरह से दोनों देशों का अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व बढ़ने लगा और इन गुटों में जो देश शामिल हुए वो अधिकांशतः कौन से देश थे, विकसित देश थे। भारत की स्थिति उस समय यह थी कि भारत एक विकासशील देश था। अब विकासशील होने के नाते हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि उस समय भारत की जब विभाजन की मार झेलनी पड़ी भारत को, तो उसकी सामाजिक व्यवस्था वैसे ही छिन्न भिन्न थी और आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि भारत ज़्यादा चुनौती नहीं ले सकता था। तो अब भारत के सामने समस्या यह थी कि वह किस गुट में शामिल हो या गुट से अलग रहे। इस समय दोनों देशों के मध्य, अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य शीत युद्ध की स्थिति। अब शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है कि अस्त्र शस्त्र की लड़ाई ना होकर इसमें वैचारिक मतभेद होते हैं,
वैमनस्य होता है, कटुता होती है, आपस में मतभेद होते हैं, इस तरह की लड़ाई इसमें होती है। तो दोनों देशों के मध्य जब शीत युद्ध की स्थिति हो गई और माहौल बिगड़ने लगा, तो भारत ने इस स्थिति में यूगोस्लाविया, मिश्र आदि देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर इस बात पर विचार विमर्श किया कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, इन दोनों गुटों में मिलना चाहिए या फिर अपना पृथक अस्तित्व बनाकर एक नए संगठन का निर्माण करना चाहिए। तो भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो और मिश्र से राष्ट्रपति नासिर ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति का क्रियान्वयन किया और इस तरह से असंलग्नता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति का प्रारंभ हुआ। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो गुट निरपेक्षता की विचारधारा थी उसके प्रणेता कौन कौन थे। भारत में जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो और जर्मनी से और मिश्र से राष्ट्रपति नासिर, ये तीनों के नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से कि किस तरह से ये धारणा विकसित हुई। हमने पढ़ा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जब विश्व दो गुटों में बटा, तो भारत के पास इस समय दो ही रास्ते थे कि या तो भारत किसी गुट में शामिल हो या दोनों गुटों से अलग रहकर कोई नई नीति का निर्माण करे। इसी नीति के तहत गुट निरपेक्षता की विचारधारा का जन्म हुआ। इस समय तक एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में उभरने लगे थे। इन सभी देशों का, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक अंग्रेज़ों की पराधीनता स्वीकार करी थी, तो उनका किसी के साथ न मिलने का और गुटबंदी में विश्वास नहीं था और वे अपने आप को किसी देश के साथ संबंधित नहीं करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते थे। यहाँ अफ्रीका एशियाई देश तीसरी शक्ति के रूप में उभरे और एशिया और अफ्रीका के नवजागरण के काल में गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म हुआ, जो उनकी प्रमुख विशेषता बनी। उनका विश्वास था कि यह नई विचारधारा विकासशील देशों के विकास में सहयोगी साबित होगी। आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। विश्व स्तर पर इस विचारधारा को प्रस्तुत किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस शब्द को बार बार विश्व मंच पर दोहराया गया, इस नीति का पालन शुरू किया गया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिश्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने इस नीति को अपनी विचारधाराओं के द्वारा काफ़ी मजबूत किया और अंततः नीति पूर्ण रूप से सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में नॉन अलाइड कॉन्फ्रेंस में मान्य हो गई, इसको मान्यता मिल गई और यहीं से गुट निरपेक्षता की विचारधारा या असंलग्नता की विचारधारा का प्रारंभ हुआ। अब हम यह पढ़ेंगे, आपसे पूछ लेते हैं मान लो एक नंबर के क्वेश्चन में कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। अब हम यहाँ देखते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल से तटस्थता नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने आप को, भारत की विदेश नीति को किसी सीमाओं में बांधकर नहीं रखा। भारत की विदेश नीति यह है कि पहले स्थितियों का अवलोकन किया जाए कि किस प्रकार की स्थिति है और उसी प्रकार अपनी नीति को कार्यान्वित किया जाए। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो नकारात्मक, तथस्थ,
अप्रगतिशील नीति नहीं है। इसकी नीति यह है कि यदि किसी देश को समर्थन की सहायता की ज़रूरत पड़े तो उसका सहयोग करना है, और यदि कोई बात गलत है तो उसकी आलोचना और निंदा भी वह कर सकता है। इस तरह से जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर के अनुसार गुटनिरपेक्षता को 6 धारणाओं से भिन्न रखा जा सकता है। अलगाववाद, ऐसी नीतियों का समर्थन करना जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले और बिल्कुल अलग रहे। अप्रतिबद्धता, किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता, यह वह कानूनी स्थिति है जो युद्ध के दौरान दोनों देशों राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की या शामिल होने की अनुमति नहीं देती। असंलग्नता और तटस्थीकरण, गुटनिरपेक्षता की धारणा इन सभी धारणाओं से भिन्न है। यह संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। इसमें सबसे पहले अपने देश के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो भारत के संदर्भ में कि यदि कहीं भी युद्ध होता है तो गुटनिरपेक्षता की विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले आवश्यक होगा कि स्वतंत्रता एवं शांति में भारत सहयोग दे। भारत अपने आप को किसी भी गुट के साथ समझौता या संबद्ध नहीं करना चाहता और न ही किसी दशा में अपनी स्वतंत्रता को वो खोना चाहता है। गुट निरपेक्षता की स्थिति वह है जहाँ शांति होती है, स्वतंत्रता होती है, और इसके माध्यम से युद्धों को रोककर शांति की स्थापना की जा सकती है। यदि हम संक्षेप में देखें तो गुट निरपेक्षता के अंतर्गत गुट निरपेक्ष देश वे माने जाते हैं जो सैनिक गुटों के सदस्य न हों, युद्ध का समर्थन करने वाले न हों, स्वाधीनता के समर्थक हों, स्वतंत्र हों और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों। ये सभी देश असंलग्नता की विचारधारा के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया, असंलग्नता की विचारधारा को अपनाया गया। पहला पॉइंट है, गुटनिरपेक्षता राष्ट्र के हितों के अनुकूल थी। हमने पढ़ा कि 1945 के बाद जो शीत युद्ध की स्थिति बन रही थी, अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व में अलग अलग दो विरोधी गुट बने हुए थे। ऐसी स्थिति में भारत यह नहीं चाहता था कि किसी भी गुट में शामिल होकर वह दूसरे गुट को अपना शत्रु बना ले, क्योंकि वह विश्व के जितने भी देश हैं उनसे मैत्री की कामना करता है, मित्रता की कामना करता है, और यह आशा करता है कि यदि विपत्ति के समय किसी भी देश को आवश्यकता हो तो भारत उसमें पूरा सहयोग करेगा। और उस समय की स्थिति को देखकर भारत ने महसूस किया कि किसी भी गुट में शामिल होना भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए भारत ने असंलग्नता की नीति को अपनाना अपने हित में समझा। दूसरा है, विश्व शांति की भारत की इच्छा। 1945 के बाद जब भारत विश्व की दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी, दो गुटों में बढ़ चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए अभी कुछ ही समय था कि शीत युद्ध की स्थिति दोनों देशों के मध्य उत्पन्न हो गई, तो भारत चूँकि लंबे समय तक औपनिवेशिक दास्ता का सिक में रहा, काफ़ी संघर्ष किए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारत
दोनों में से किसी भी गुट में शामिल होकर तनाव नहीं प्राप्त करना चाहता था। वह समान रूप से दोनों गुटों से मित्रता का वातावरण बनाना चाहता था ताकि भारत में भी शांति बनी रहे। तीसरा है विदेशी सहायता की आवश्यकता। स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों को हमने कई चैप्टर में पढ़ा। पहले हमने देखा कि किस तरह से भारत की सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति विभाजन के बाद काफ़ी ख़राब हो गई थी। ऐसी स्थिति में भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ देश हो गया था। अंग्रेजों के शोषण के कारण आर्थिक दृष्टि से पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं सहित विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई जिनके लिए धन की आवश्यकता थी, जो बिना विदेशी सहयोग के संभव नहीं था। धीरे धीरे भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और बाद में विदेशी सहयोग की आवश्यकता भारत को नहीं रह गई। लेकिन प्रारंभिक परिस्थितियों में देखें तो विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए इस नीति को अपनाना भारत को तर्कसंगत लगा। अब अगला पॉइंट है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति भारत को इस तरह की नीति अपनाने के लिए तैयार करती है। भारत पश्चिमी गुट के साथ सैनिक गुटबंदी नहीं कर सकता था, क्योंकि पश्चिम के विरोध की दो प्रमुख शक्तिशाली शक्तियां साम्यवादी देश भारत की सीमाओं के पास हैं। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस, दोनों ही साम्यवादी विचारधारा से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत पश्चिमी खेमे में शामिल होकर रूस की सहानुभूति को खो देता तो उसको सीमाओं पर अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी और दोनों देशों के साथ उसके संबंध खराब हो जाते। ऐसी स्थिति में भारत ने दोनों गुटों के साथ शामिल न होकर स्वतंत्र नीति का पालन करना उचित समझा। घटनाओं का निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन। भारत किसी भी गुट का अनुसरण नहीं करके उसका पूरी तरह से पीछा नहीं करना चाहता था, जिससे क्या होता है बच्चों, अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं या किसी भी गुट का समर्थन करते हैं तो हमें उन्हीं की नीतियों के हिसाब से चलना पड़ता है, उन्हीं के हिसाब से अपनी विदेश नीति का, स्थानीय नीति का संचालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भारत स्वतंत्र निर्णय शक्ति को नहीं खोना चाहता था। प्राचीन काल से ही हमारे देश में विश्व की बाहरी शक्तियों का विरोध हुआ। इसी कारण शोषित देशों का साथ देना और उनकी स्वतंत्रता की मांगों का समर्थन करना हमारी नीति के प्रमुख आधार रहे हैं। इसी के कारण अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भारत ने इस नीति का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने, देश का विकास करने के लिए इस नीति का अनुसरण करना भारत ने सही समझा, क्योंकि इन दोनों विरोधी गुटों के द्वारा विश्व में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, मतभेद बढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भारत को लगा कि इस नीति को अपनाकर देश के स्वतंत्र दृष्टिकोण का, स्वतंत्र दृष्टि का विकास हो सकता है। तो इन्हीं कारणों को लेकर भारत में गुट निरपेक्षता की नीति या असंलग्नता की विचारधारा को अपनाया गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण भारत में असंलग्नता की विचारधारा का विकास हुआ। अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।